नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और पूरी प्रजा को तकलीफ दे दे के आप ही भगवान हो, ऐसे उनके दिमाग में आप नहीं बिठा सकते। राजगुरु महाराज, गुस्से को काबू रखो महाराज, प्रजा पे प्रेम करो महाराज, उनके साथ बहुत प्यार से बात कीजिए और सभी जीव जंतुओं पर प्रेम बरसाइए महाराज, जिसके कारण सबके दिल में आप ही आप बस जाएंगे महाराज। राजगुरु आप अपनी सीमा लांघ रहे हो, राजनीति में तुम अवरोध मत डालो। सेनापति जी महाराज, दूसरे क्या समाचार है? महाराज आपकी आज्ञा हो तो एक अर्ज करूं। बोलो। आपके भाई हिरण्याक्ष विष्णु का वध करने गए, उसमें विजय तो है ही, उसकी आनंद की खुशहाली में जो अगर आपकी आज्ञा हो तो एक नर्तकी का नृत्य हो जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ? हमारे बड़े भाई
हिराक्षी का मृत्यु हो गया महाराज। क्या बात कर रहे हो, मेरे भाई की मृत्यु? वो भी किसी मनुष्य से नहीं पर एक प्राणी से हुआ है और वो मैंने मेरी नजरों से देखा है। वरा का बच्चा अपने भाई का खून पी गया। व्रणा के अवतार के कारण विनाक्षी का मृत्यु हो गया। अभी भी आप समझ सकते हो महाराज, समय होने से पहले आप संभल जाइए, भगवान के सामने की लड़ाई बंद कर दीजिए, उनकी स्तुति करो महाराज। चुप करो राजगुरु। सेनापति, आप नगर में ढंडेरा पिटाओ, जो कोई मेरे दुश्मन को पूजेगा उसका सर काट लूंगा। जैसी महाराज की आज्ञा। ए भाई, तुझे जिससे दुश्मनी लेने ना वो अमर है, तू उसका बाल भी नहीं बाका कर सकता, तेरा मृत्यु उनके हाथों में ही है भैया। इसलिए बोल रही हूँ भाई, मृत्यु पर विजय पाने के लिए अमर होने का वरदान मांग और फिर दुश्मनी की आग शांत कर। हाँ बहन, मैं वो अमरत्व पालूंगा, परसों तक मैं तप करूंगा, देवताओं को मनाऊंगा, पर वरदान मैं लेके रहूंगा। वरदान लिए बगैर अगर मैं वापस आया तो तू बिना पूछे तेरे हाथ से मेरा सर उड़ा देना। जो तू वरदान लिए बिना वापस आया तो तुझे तेरी माँ की सौगंध है, बहन की सौगंध है, नहीं तो तू जिंदा रहेगा तब तक मैं तुझे धिक्कारूंगी और तेरे जीते जी तेरा श्राद्ध कर दूंगी। नहीं बहन, मैं मेरे भाई के हत्यारे को अपने चरणों में ना झुकाऊं तब तक मेरे भाई की चिता ठंडी नहीं होगी। जिस खानदान में मैं जन्मा हूँ उस खानदान की मुझे आन है, मैं अति शीघ्र प्रयाण कर रहा हूँ। ना जाओ स्वामी, आप वहाँ मत जाओ। मैं जो अगर तप करने ना जाओ तो मेरे भाई का बदला नहीं ले सकता। दुश्मनी से दुश्मनी खत्म नहीं होती बल्कि दुश्मनी बढ़ती है महाराज, मेरी बात मान लो। रुक जाइए स्वामी। रुकने के लिए अब मेरे पाँव नहीं रुकेंगे देवी। पाँव नहीं रुक सकते तो वापस ले लीजिए। अगर आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार ना हो तो मेरे पेट में जो बच्चा आकार ले रहा है कम से कम उसके लिए तो रुक जाओ। कर्तव्य के आगे माँ की आजीजी नहीं चलती है। देव दुश्मन बन के अपने पे टूट पड़े हैं और हमेशा हम सहते रहे, नहीं कदापि नहीं। भाई, तेरी पत्नी की आजीजी सुन के तेरे पाँव पीछे मत लेना, मेरे बताए मार्ग से पीछे मत हटना भाई। होलिका बहन, क्यों इनको आप जंगल में तप करने के लिए भेज रहे हो? क्यों हमारी जिंदगी में विरह की आग भड़का रही है? तुमको सिर्फ तुम्हारे विरह की पड़ी है, लेकिन जो विधवा हो गई है, जिसके कंगन छिन गए हैं, जिसके शरीर से वस्त्राभूषण निकल दिए हैं, उसको अपना जीवन विधवा बन के बिताना है, उसके दुख के सामने तुम्हारे विरह की क्या विसात? पर ननन मां, चुप। ये दुख की आंधी आएगी तब देवाधिदेव के खप्पर उसमें चले जाएंगे, तभी ही मेरे भाई की हिरण्याक्षी चिता ठंडी होगी, सब देव के खून की बलि चढ़ेगी, तभी ही उस विधवा की चूड़ी की कीमत समझ में आएगी। समझी बेवकूफ औरत? देव को समझाने वाली बहन जी, आप खुद क्यों नहीं समझ रही कि हम औरतों की वजह से ही देवों ने आक्रमण किया? न जाने कितनी बहनों की मांग सुनी कर दी, ऐसे ही देवों ने बड़े बड़े युद्ध किए हैं, दोष उनका नहीं है ननन जी, दोष हमारा है हमारा। चुप कर कयागु, ये मेरी पत्नी बोल रही है कि विष्णु की दासी, मेरी पत्नी होकर मेरी परछाई बनने से ज्यादा तू देवताओं की परछाई बन रही है, धिक्कार है तुझे। बहन होलिका, तेरे भाई का निर्णय अटल है, मैं तप के लिए जा रहा हूँ। प्रणय ना करो स्वामी, आपका बेटा जब जन्म लेगा और आपको ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ देखेगा तब मैं उसे क्या जवाब दूंगी? जन्म लेते ही वो पिता को ना देख पाए, ऐसा जुल्म आप मुझ पे मत करिए स्वामी, मेरी बात मान लीजिए। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। क्यों कर्तव्य पालन करने जा रहे पति के पैर की बेड़ी बन रही हो? क्यों दुश्मनी की आग बुझाने को तैयार हुए हो? क्यों रो रो के मेरे भाई को कमजोर बना रही हो? तुम समझते क्यों नहीं हो बेवकूफ? देवों के विनाश के लिए यज्ञ क्या है उसमें क्यों हड्डियां डालते जा रही हो तुम? भाई, आगे बढ़े हुए कदम पीछे मत लेना, और वरदान लिए बिना आया तो तुझे माँ की सौगंध है, मृत्यु हो चुके भाई की सौगंध है और विधवा भाभी की सौगंध है, ये बात याद रखना। सुखी रहे बहन, सुखी रहे। ना जाओ। चल अंदर। क्यों बे, अंधा है क्या, दिखता नहीं है? अंधा नहीं हूँ, लेकिन तुझे देख के अंधा बन गया हूँ, मेरा सपना सच हुआ। सपना? हाँ। कौन सा सपना? हाँ, रात को भगवान मेरे सपने में आए, मेरे को बोले टपुड़ा कल सुबह पूर्व दिशा में सड़सड़ाहट सीधे चले जाना और वहाँ तुझे सामने एक सुंदर सी कन्या दिखेगी, उसके साथ टकराना।
और उसके साथ टकरा जाना तो तेरा विवाह हो जाएगा। अच्छा तो ये सब तुझे भगवान ने बोला था? हाँ। ये बोला था कि नहीं? नहीं, ये वो बेचारे बोलना भूल गए थे। इस तरह की हरकत वापस की ना तो 32 से निकाल के हाथ में दे दूंगी। हाँ हाय 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 हाय, क्या नखरे हैं। सोचा था केरी निकला तरबूज, वाह वाह वाह, बाकी भगवान ने क्या फुर्सत से उसको बनाया है। रंभा, अरे रंभिके, अरे रंभिके। ओम ब्रह्मा नमः। ओम ब्रह्मा, ओम ब्रह्मा नमः। हे भगवान, मेरे स्वामी आपको रिझाने के लिए गए हैं। क्रोध मत रखना, अमित दृष्टि ही रखना। भले उनको वरदान मत देना, मगर उनको सही सलामत वापस भेज देना। अपने घर में दुश्मन की पूजा हो रही है, क्या मांगा? अपने पूरे कुटुंब के निकंदन निकल जाए। ननन जी, आप हमेशा उल्टी ही बात करते हैं। मैं तो हम सब लोगों की सुख और शांति की प्रार्थना कर रही थी। हजार बार ना बोला है तो दुश्मन को घर में मत रखो, फिर भी छुपा छुपा के रखते हो। आज तो मैं अपने हाथ से ही निकालूंगी, तभी राजमहल में शांति होगी। ऐसा मत करो ननन जी, अगर चाहिए तो मुझे सजा दीजिए, मगर ये मूर्ति मुझे वापस दे दीजिए। आज तो तुझे ये मूर्ति वापस नहीं मिलेगी। ऐसा मत करिए ननन जी, इस दुखियारी का सहारा सिर्फ एक ही है, एक ही है। और इस राजमहल में दुख लाने वाला यही तेरा भगवान है। तुझे मूर्ति चाहिए ना? हाँ हाँ। तो ले, ये ले। हाँ। ननन जी, ये क्या किया आपने? ननन जी, ये आपने क्या कर दिया? जब मेरे भाई को मारा तब मेरी भाभी की चूड़ी ऐसे ही चूर चूर हुई थी, आज तेरा भगवान चूर चूर हुआ। भूल रही हो ननन जी, भगवान तो कण कण में है, इस मूर्ति में भी भगवान है। मृत्युंजय महादेव, त्राहि माम शरणांगतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधे, त्राहि माम शरणांगतम। प्रभु प्रभु, गजब हो गया। पूरे संसार में से विष्णु का नाम हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है, आपका नाम पूरी तरह मिटा देना चाहता है। क्या हुआ? वो बहुत ही जिद्दी है प्रभु, जो उसके तप में हमने विघ्न नहीं डाले तो फिर वो हमें परेशान कर सकता है। तो अब आप ही इस तप का उपाय ढूंढ लीजिए, क्योंकि इसके पहले आपने काफी तपोभंग किए हैं और ये आप ही कर सकते हैं। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। नारायण नारायण नारायण। बोलो बोलो इंद्रदेव, आप क्या सोच रहे हो? विचार नहीं, उपाय देवर्षि। देखो, नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्माय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्माय। अबे ओ टप्पू, मुझे देखकर ये ऊपर क्यों चढ़ गया? तू है ही इसी। अच्छा, हाँ। ये बात करने से पहले नीचे तो आ। नहीं हाँ, मुझे मेरे दांत नहीं तोड़वाने। अरे नहीं मारूंगी, पहले नीचे आ तो सही। मैं यहीं ऊपर ही ठीक हूँ, तू नीचे और मैं ऊपर। अरे मैं कह रही हूँ नीचे आ ना, मीठी मीठी बातें करेंगे। क्या हाँ। करें? बातें करेंगे। पक्का? बातें करेंगे। तो फिर ले आ गया। अबे ओ टप्पू, आजकल तो मेरे सपनों में आता है। क्या बात है, मैं रोज तेरे सपने में आता हूँ? हाँ, जिस दिन से मैंने तुझे देखा है ना, बस मेरा दिल ही कहीं नहीं लगता है। वाह वाह, इसका मतलब तू मेरे साथ मारा मारी करेगी? ए, हाँ,
तो जाना मेरे पिताजी के पास और अपने शादी की बात करना। अरे मैं तो तेरे बाप के पास जाके अपने विवाह की बात करूँ, लेकिन तेरा बाप ऐसे घंटी हिला के ना बोला तो? मेरे पिताजी को राजी करने के लिए तुझे सिर्फ एक ही तीर चलाना होगा। तेरे बाप को तीर मारूं? नहीं, मेरे पिताजी को तीर नहीं मारना है, तुझे सरदार बनना है। सरदार? तू सरदार बन जाए, इसका मतलब हम... मतलब अपना विवाह पक्का। क्यों? आपको तो बहुत जल्दबाजी। अरे भाई, शुभ काम में देरी नहीं। आपने मुझे याद किया महारानी? हाँ सेनापति जी, महाराज के तुम विश्वासु आदमी हो, इसलिए एक खास काम आपको दे रही हूँ। आप जो बोलो वो मैं करने को तैयार हूँ। ये लो जहर। जहर? किसके लिए? चिंता नहीं करो सेनापति जी, तुम्हारे लिए नहीं है। बरोबर। ये जहर राजमाता के खाने में मिला दो। राजमाता? हाँ, जाओ। रेणुका, ए रेणुका, ओहो, काम के समय दासियां कहां मर जाती है। रेणुका, ए रेणुका, ये खाने की थाली उठा और चल राजमाता के पास, चल। राजमाता की जय हो। राजमाता, कृपया भोजन कर लीजिए। तुझे कैसे मालूम पड़ा? अरे दीवारों के भी कान होते ससुर। खबरदार जो मुझे ससुर जी बोला तो, और खबरदार मुझे भी झमाए राजा बोला तो। मैं अभी जाके बोल के आता हूँ राजमाता को कि इसमें जहर है। किसी को मत बोलना। तो फिर हमारा विवाह पक्का ना? पक्का, एकदम पक्का। वाह वाह, जुग जुग जियो ससुर जी। ओम ब्रह्माय नमः, 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 ओम ब्रह्माय नमः। सेनापति, लेके जाओ राजमाता को और डाल दो काल कोठरी में। सैनिकों, ले चलो। इस सजा का कारण? अभी कारण पूछ रहे हो? पूरे नगर में मैंने विष्णु का नाम मिटा दिया है और तुम अभी तक उसका नाम ले रहे हो। तुम राजद्रोही हो सेनापति। ननन जी, मैं यहाँ या जेल में, दोनों एक ही तो है, क्योंकि आप यहाँ पे भी मुझे कैदी की ही तरह रख रहे हो। आपको इतना भी नहीं पता कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरा चले तो उसके जन्म लेते ही उसको मार डालू, क्योंकि तुम्हारे कोख से जन्म लिया हुआ बालक तुम्हारे संस्कार लेके मेरे भाई का दुश्मन भगवान का जप करेगा। सेनापति, राजमाता राजद्रोही, लेके जाओ उसको। राजमाता, चलिए। सेनापति को लेके जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। मगर जब तुम्हारे भाई आएंगे तब क्या होगा, क्या उसकी खबर है? मुझे सब खबर है। मेरा भाई वापस आए तब ना, अमर होने का वरदान लेने के लिए न जाने कितना वर्षों तक तप करना पड़ेगा, इसकी उसको कहाँ खबर है। अभी तो महारानी मैं हूँ। इस नगर पर अब मेरा राज चलेगा। सेनापति, लेके जाओ इसे। चलिए राजमाता। ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, नारायण नारायण नारायण। पधारो देवर्षि, कहो क्या समाचार लाए हो। आप पोपट का स्वरूप लेके तब भंग करने चले गए, पर हिरण्यकश्यप की तप अभी भी वही है। उनका तप दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है महाराज। मुझे पता है देवर्षि, आज तक मैंने बहुत लोगों के तप भंग किए हैं, हिरण्यकश्यप का तप मैं ही भंग करूंगा। नारायण नारायण। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः,
ओम ब्रह्माय नमः। नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप का तप भंग करने में आपका यह प्रयत्न भी निष्फल हुआ, अब दूसरा प्रयत्न करके भी देख लीजिए। पर मैं एक चिंता में हूँ देवर्षि, आप चिंता मत करिए, मेरे तरकिश में और बहुत तीर पड़े हैं। देवर्षि अब देखो मेरा नया उपाय। मुझे क्यों बुलाया? अप्सरा, हिरण्यकश्यप के तप के कारण सब में घबराहट हो चुकी है, उनका तपोभंग करने का कार्य मैं आपको सौंप रहा हूँ। आपके नृत्य से और बढ़िया लटको झटको से उनका मन मोह लो, जाओ, ये मेरी आज्ञा है। जैसी आज्ञा देव। सच में बहुत ही कठोर तपस्या है, इंद्र ने कहा था यह बहुत ही कड़क तप है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। कश्यप पुत्र, आपका तप पूर्ण हुआ है, आपका तप मैंने देखा है, उससे मैं प्रसन्न हुआ हूं। आपको जो वरदान चाहिए आप मांग सकते हो। हे जगत पिता ब्रह्मदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आज मेरी तपस्या सफल हुई है। हे जगत पिता, आप इस सृष्टि के सृजनहार हो, प्रजा के पिता हो, अनादि एवं अंत हो, ब्रह्मांड आपकी काया है, ऐसे देव आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप जो मेरे ऊपर सच में प्रसन्न हुए हैं, तो जो मैं मांगू वो मुझे वरदान दीजिए। संकोच किए बिना मांगो वत्स, मैं आप पे प्रसन्न हूँ। ओह, तो आपने अभय दान दिया है और वरदान देने की प्रसन्नता दिखाई है, तो उस वचन से प्रोत्साहित होकर मैं आपसे ये वरदान मांग रहा हूँ कि मुझे आजीवन अमर का वरदान दीजिए। मैं पृथ्वी पर ना मरूं, आकाश में ना मरूं, रात को ना मरूं, दिन में ना मरूं, घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, जल से ना मरूं, चेतन से ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, नर से ना मरूं, पशु से ना मरूं, ऐसा वरदान दीजिए। आपने जो वरदान मांगा है वो बहुत ही दुर्लभ है, पर मैं भी अपने वचन के साथ बंध चुका हूँ। आपका वरदान मैं आपको दे रहा हूँ। महाराजा हिरण्यकश्यप की जय। 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 महाराजा हिरण्यकश्यप की। महाराजा हिरण्यकश्यप की। महाराजा हिरण्यकश्यप की। महाराजा हिरण्यकश्यप की। महाराजा हिरण्यकश्यप।
कश्यप की, महाराजा हिरण्यकश्यप की। सेनापति जी महाराज, आप सारे नगर में जाओ और ढंडेरा पिटाओ कि आज से प्रजाजनों का भगवान मैं हूँ, मेरी पूजा करे, मेरी भक्ति करे, जैसे हमारे भगवान की इच्छा। और बता देना कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला मौत का भागीदार होगा, उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जाओ, मेरी आज्ञा का पालन हो। जैसे प्रभु की आज्ञा। नगरवासियों, कान खोल के सुन लो, खास सूचना सुनो। आज से हमारे भगवान हिरण्यकश्यप है, उसके सिवा किसी और भगवान की पूजा की या किसी और को भगवान माना तो हाथी के पाँव तले उन सबको कुचल दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। आज से हमारे भगवान हमारे राजा है, उन्हें ही भगवान मानो, उनकी ही भक्ति करो, उन्हें भगवान मानो। हमारा भगवान हिरण्यकश्यप है, सब समझ लो। आइए स्वामी। गया गु? ये हमारा बेटा प्रह्लाद। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भवा, आयुष्मान भवा पुत्री, तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कयागु, सब कुशल मंगल है ना? आपकी बहन ने मेरा जतन बहुत ही प्यार से किया है कि मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुई। वरदान तो मिल गया ना? वरदान लिए बगैर वापस कैसे आ सकता हूँ बहन होलिका? मुझे तो तेरी सौगंध थी, मैं अमर होने का वरदान लेके आया हूँ कयागु। मैं आज से त्रिभुवन का स्वामी हूँ, मैं आज से भगवान हूँ। होलिका बहन, आपके भाई के आने की खुशी में क्या कोई उत्सव नहीं मनाएंगी? मनाऊंगी। हे चारों ओर दिया जलाओ, रंगोली में रंग डालो, तोरण के हो हार, रंग रंग में खेले सब आज, बहाओ रस धार, आसो मास के प्रकाश में झन 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 झनकार, रसिया राजा आए मेरा, रास खेलो नर नार, तुम सब रास खेलो नर नार, तुम सब रास खेलो नर नार। चंदा उगा है आकाश, हे चंदा उगा रे आकाश, हे राधे आज रंगों में खेलो रास, हे राधे आज रंगों में खेलो रास, हे आया आया रे आसो मास, सजनी है पास, हे चंदा उगा रे आकाश, हे राधे आज रंगों में खेलो रास। खेले दिल से लगा ले, रंगों से खेले दिल से लगा ले, दिल में रखो थोड़ी आस, हे राधे आज रंगों में खेले रास, हे राधे आज रंगों में खेले रास। आयो आयो रे आसो मास, साजन है पास, चंदा वो आज खिला है आकाश, कि आज मैं खेलू संग
आया आया रे आसो मास, हे चंदा उगा है आकाश, हे चंदा उगा रे आकाश, हे राधे आज रंगों में खेलो रास। लाजवंती के जैसे तू लज्जा रही है, लाजवंती के जैसे तू लज्जा रही है, पूरी हुई अंतर की आस के आज मैं खेलूं साजन संग रास, के आज मैं खेलूं साजन संग रास। हे आया आया रे आसो मास, हे चंदा उगा है आकाश, हे चंदा उगा रे आकाश, हे राधे आज रंगों में खेलो रास। आया आया रे आसो मास, साजन है पास, चंदा वो आज खिला आकाश, के आज मैं खेलूं साजन संग रास, के आज मैं खेलूं साजन संग रास। आया आया रे आसो मास, साजन है पास, चंदा वो आज खिला आकाश, के आज मैं तू ऐसे ही बैठी रहे, बस मुझे ही आना पड़ता है मिलने के लिए। किसकी? रोज तुझे मिलने आता हूँ चोरी छुपे। अच्छा है कि चोरी छुपे सिर्फ देख रहा है, लूट नहीं रहा। अरे मेरा बस चले तो तेरे लिए जमीन आसमान एक कर दूँ, पर तेरा बाप बीच में है, अपने विवाह का हाँ ही नहीं बोल रहे। अब तो वो भी हाँ बोलेंगे, तू भी ऐसे हिरण्यकश्यप को भगवान मानता है? नहीं यार, वो खाली राज दरबार में ऐसे ही बस महाराज के सामने भगवान, बाकी राक्षस ही है राक्षस। तो जब तक हमारे शादी के फेरे नहीं हो जाते तब तक उसको भगवान मान लेना। नहीं नहीं, पत्नी बदल सकते हैं लेकिन भगवान नहीं बदल सकते। ओए तीनों लोग पे एक ही भगवान है, भगवान हिरण्यकश्यपु। लो घंटिया बजी, जो उसे ही भगवान मानेगा तो ही तेरा विवाह होगा, नहीं तो सारी जिंदगी कुंवारा मर। तो तीनों लोग में घंटिया बजेगी। ए लड़की घर पे जा, अब तू दरबार में चल, नहीं तो अभी तेरी घंटी बजा दूंगा। भगवान हिरण्यकश्यप की जय। सेनापति जी प्रभु, पुत्र प्रहलाद की बाल अवस्था पूरी हुई, अब इनकी ज्ञान की इंद्रिया जागृत होने लगी है। कोमल डाली को आप जिस तरफ मुड़ेंगे उसी तरफ मुड़ेगा। पिता की आज्ञा के अनुसार आप वर्तन कर रहे हैं ना? माँ बाप की आज्ञा माननी वो तो पुत्र का धर्म होता है। हाँ तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, इस दुनिया में माता पिता सबसे ऊपर है, उसमें भी आपके पिता राजा हिरण्यकश्यपु सर्वोत्तम है। अगर उनकी आज्ञा हमने नहीं मानी तो सबकी हालत खराब हो जाती है, पूरी दुनिया का व्यवहार बंद सा हो जाता है, और उनके प्रकाश से तो सूर्य और चंद्रमा में तेज है। इसीलिए कह रहा हूँ कि हर रोज सुबह उठ के हमें उनका ही नाम लेना चाहिए, समझे बच्चो? वो हमारा धर्म है। क्या बोला कि बोलो, भगवान हिरण्यकश्यपु की जय, भगवान हिरण्यकश्यपु की जय, भगवान हिरण्यकश्यपु की जय। स्वप्न में प्रभु दिखे उसे धर्म की रक्षा कहते हैं, मंदिर और मूर्ति में प्रभु दिखते हैं उसे मध्यम दर्शन कहते हैं, और उत्तम दर्शन भी कहते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। मारो इस पापी को। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। राजन, अभी भी मेरी बात मान लो, जो हमें जिंदगी देता है उसके हाथ में हमारी मृत्यु है, उससे लड़ाई करना छोड़ दो। राजगुरु, गुस्से की आग में घी ना डालो,
मेरे ही राज में मेरे विरुद्ध कोई खड़ा हो और मैं चुप बैठू? आज मेरे सिवा मेरे राज्य में कोई भगवान नहीं है। महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, क्या हुआ? महाराज, आपके आगे से हमने होम हवन बंद कराया था। विष्णु भगवान ने हमें बहुत दंड दिया महाराज, और तो और हमें इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी कि हम आपको बता नहीं सकते महाराज। महाराज, अभी भी मेरी बात मान। गुरु, आप बीच में कुछ मत बोलो। तुम जाओ, सारी सेना को लेके जाओ, उसका सामना करो और उसका नामो निशान मिटा दो। महाराज की जय हो। निशान मिटा दो, उसे तलवार से काट डालो, जाओ सब तोड़ फोड़ डालो। भगवान एक ही है, वो भी भगवान हिरण्यकश्यपु। रोग हुआ है बेटे। माँ, ये रोग मतलब क्या? ये शरीर जब वृद्ध होता है तो उसमें बहुत से प्रकार के रोग होने लगते हैं।
शरीर के एक एक अंग क्षीण होते जाता माँ, है। ये वृद्ध मतलब क्या? एक दिन तुझे बताऊंगी। माँ, ये मनुष्य इस तरह क्यों चल रहा है? ये वृद्ध हो गया है बेटा। जो जन्मता है उसका मरण निश्चित है बेटा। रंभा, रंभा, अब बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। सारे गांव का विवाह हो रहा है लेकिन हमारा नहीं हो पा रहा है। होगा, धीरज के फल हमेशा मीठे होते हैं। धीरज के फल मीठे होते हैं, लेकिन इतनी धीरज रखने जाऊंगा तो फल ही मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये तेरा बाप है ना, तेरी जोड़ी किसी और के साथ लगा दे तो सारी जिंदगी में मंजीरा बजाओ और वो घंटी बजाएगा। ना रे ना, अब तो तुझे फेरे लेने हैं फेरे। सच में? कब? बाद में। ये बार बार तू कब कब क्यों पूछ रहा है? अब तू कोई देख लेगा, जा। जाता तो हूँ लेकिन। कितनी जल्दी है, मेरे माँ बाप देख ले, उसके पहले तू जाता क्यों नहीं है? जाना पड़ेगा। हाँ जाना पड़ेगा। अरे जाना। अरे जाना पड़ेगा। जा। आह जाता हूँ। माँ जल्दी आओ। माँ ये क्या जा रहा है? शव यात्रा जा रही है बेटे। माँ शव यात्रा मतलब क्या? जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो लोग उसे स्मशान ले जाते हैं बेटा। माँ स्मशान में क्यों? उसे अग्निदाह देने के लिए। देह अग्नि में भस्म हो जाता है और ईश्वर में विलीन होता है। माँ ये ईश्वर कौन? मेरे पिताजी? उसका जवाब तुम्हें खुद को ढूंढना है बेटा। यस कीर्ति वैभव, ये तीनों पद से जो शब्द बना है वो मैं हूँ। सृष्टि का पूरा सर्जनहार मैं हूँ। आकाश के उस बादलों पे मेरी गर्जना होती है। आकाश में जो प्रकाश छाया हुआ है वो भी मेरा है। मेरी सुंदरता चंद्रमा पे चमक रही है। मेरा शासन सूर्य पर भी है। सत्य है महाराज, आप जो बोल रहे हैं वही सत्य। ये हो ही नहीं सकता, ये सच नहीं है राजगुरु। पर पूरे दुनिया को निर्माण आपने नहीं किया है। आपके गुस्से को काबू में रखिए और जो मैं कह रहा हूँ उसे बड़े आराम से सुनिए। आप जब चाहो तब किसी को जन्म और मृत्यु दे सकते हो, ये आपके बस की बात नहीं है। वो तो सिर्फ परम कृपाणु परमात्मा ही कर सकते हैं। राजगुरु मैं अपने गुस्से को काबू कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये पृथ्वी का मालिक मैं हूँ। आकाश मेरे महल की छत है, वायु मेरा द्वारपाल है, वरुण मेरे घर का पानी भरता है और अग्नि तो मेरा रसोईया है रसोईया। और फिर भी आप कह रहे हो कि मैं जगदीश नहीं हूँ। मेरी आज्ञा से सूरज उगता है और डूबता है, मेरे कहने से बादल गरजते हैं। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव शंकर हूँ, मैं ही तीनों लोक में छाया हुआ हूँ। कहो इस संसार का आधार कौन? आप ही हो महाराज। ज्योति स्वरूप ब्रह्म निराकार कौन? आप ही हो महाराज। जीवंत जग का जगन्नाथ कौन? आप ही हो महाराज। आप पापी हो महाराज। आप हो, आप हो। आप पापी हो महाराज। आप हो, आप हो। ये लोग क्या बोल रहे हैं? विनयशीलता और स्वाभिमान छोड़ के ये लोग क्या बोल रहे हैं? आपके अन्याय के जिंदा निशान है हम। ये गरीब लोगों की ये अवस्था है। जो भगवान है, त्रिलोक के नाथ है, उसके सामने आपकी कुछ नहीं चल सकती। और जो तू लक्ष्मीपति है तो ये देश क्यों गरीब है? जो आप न्याय कर सकते हो तो प्रजा के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? अरे ओ दुष्ट राजा, थोड़ी तो शर्म कर। अरे हमारी इस अवस्था की तरफ देखो, हम गरीबों की कमाई पे तू पल रहा है और तू खुद को भगवान कहलाता है। इस गरीब के चेहरे पर देखो, आपको तकलीफ नजर नहीं आ रही? को देख क्या रहे हो? ले जाओ इसे और डाल दो काल कोठरी में। सुबह सूरज उगने से पहले इसको सुलग में चढ़ा दो। बड़े बड़े योद्धा आए, एक से एक महान, कितने गुमान करने वाले गए आके, खुद को माने भगवान। मैं ही भगवान हूँ सेनापति जी। महाराज राज में जो कोई भी मुझे भगवान ना माने उनको इनके जैसे सुली पे चढ़ा दो और ये राजगुरु को नगर से बाहर कर दो। जैसी आज्ञा महाराज। राजगुरु चलो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। चल। गरजा बादल आधी आई, उमड़ आया तूफान, भगवान तो भगवान है, इंसान रे इंसान। हट।
हाँ तो शिष्यों बोलो भगवान। हो भगवान हिरण्यकश्यपु की जय। भगवान हिरण्यकश्यपु की जय। हाँ तो मैंने क्या कहा, हमको हमारे भगवान हिरण्यकश्यपु पे श्रद्धा रखनी चाहिए। ये पृथ्वी के रचयिता है भगवान हिरण्यकश्यपु, उनके इच्छा के बगैर एक पान भी नहीं हिल सकता। आपने सुना मैंने क्या कहा? समझे गुरु जी? माँ कहती है कि भगवान तो विष्णु जी है, तो फिर आप मेरे पिताजी को क्यों भगवान मानते हैं? प्रहलाद मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा गुरु जी हूँ। मगर आप तो हमें गलत शिक्षा दे रहे हैं, मेरे पिताजी भगवान कैसे हो सकते हैं? प्रहलाद मैंने भी जिंदगी देखी है, मैं आपसे बड़ा हूँ, और आपकी माँ को क्या पता कि आपके पिताजी ने मेरे पास से शिक्षा ली है। भगवान क्या है ये मैं जानता हूँ, और तुम्हारे जैसे छोटे छोटे शिष्यों को पढ़ाकर मैं गुरुजी बना हूँ। मैं क्या बोला, भगवान हिरण्यकश्यपु है, इसलिए कह रहा हूँ भगवान हिरण्यकश्यपु की जय। भगवान हिरण्यकश्यपु की जय। भगवान हिरण्यकश्यपु की जय। अंतर्यामी, ये तो घोर अनर्थ हुआ, किसी के तीर से निर्दोष बालक की हत्या हुई। प्रभु इसके प्राण वापस दीजिए, इनके प्राण वापस दीजिए। प्रभु यानी मेरे पिताजी, वो अभी फिलहाल आराम कर रहे हैं, इसलिए अभी नहीं आ पाएंगे। राजकुमार, राजकुमार प्रहलाद, प्रभु तो ब्रह्मा विष्णु और महेश है, तुम्हारे पिता भगवान नहीं है, वो तो सिर्फ मनुष्य है। राजा होने के कारण वो किसी की जान ले सकता है, पर मरे हुए को जीवित नहीं कर सकता, वो शक्ति तो सिर्फ भगवान में ही है। मेरे पिताजी भगवान है, उनका नाम लेने से ही ये बालक वापस जिंदा हो जाएगा। भगवान हिरण्यकश्यप इस बालक को सजीवन कीजिए, इस बालक को फिर से जिंदा कीजिए, इस बालक को जिंदा कीजिए, इस बालक को जिंदा कीजिए। प्रहलाद अभी तो विश्वास हुआ ना कि तेरे पिता भगवान नहीं है। तो भगवान कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। हे भव भय भंजन जन मन रंजन सुखकारी, पाप विमोचन दुष्ट निकंदन भव भयहारी। हे अंतर्यामी, हे प्रभु, यदि आपकी भक्ति सच्ची हो और आप सच में जगत के स्वामी हैं, तो आप इस बालक को जीवित करो। हे भगवान विष्णु, आप इस बालक को जीवित करो, इस बालक को जीवित करो भगवान। महाराज आप जीत गए और मैं हार गया, आप ही मेरे सच्चे गुरु हैं। प्रहलाद ये आप क्या कर रहे हो, भगवान तो आपके पिताजी है, ये भगवान नहीं है, ये कोई दुष्ट है। तेरी इच्छा पूरी करने में मैं कहां बाकी रखता हूँ, लड़की बाहर जाती है तो खाना बनाता हूँ, सोने के टाइम पे बिस्तर लगा देता हूँ, नींद आती है तो पाँव दबा देता हूँ, और मैं तो ऐसे ही पड़ा रहता हूँ। अच्छा हुआ तुमने याद किया पैर दबाने का, देर तक खड़े रह रहे के मेरे तो पैर दुख रहे हैं। बैठो ना। आ लो बैठे। लो दबाओ। पर अभी जमाई राजा आ गया तो लड़की की सेवा करेगा? ये तुम पैर दबा रहे हो कि आटा गूंद रहे हो? पर तेरे पाव ही आटे जैसे है तो मैं क्या करूं? एक तो सुनते नहीं हो और वापस आवाज करते हो, आगे भी तुमको बाहर ही सोना है। पर लड़की बड़ी हो गई है, जमाई राजा देखेंगे तो, उनको पता चला तो वो क्या सोचेंगे? जमाई को जो समझना है वो समझे, लेकिन आज तुमने बाहर ही सोना है, समझेंगे? जाओ। हाँ ये वजन उठा रहे तो मैं खड़ा होता हूँ, संभाल के रखना। ले दबाओ। क्या दबाऊ? पैर। पाँव दबाऊ? हाँ। मैं तेरा पैर दबाऊ? अरे तू मेरी पत्नी है कि मैं तेरा पत्नी हूँ? मेरी माँ मेरे पिताजी के पास रोज पैर दबा रही है, समझ में आया? चलो। मेरे पिताजी मेरी माँ के पास रोज सर दबाते थे, ऐसे तू भी अभी मेरा सिर दबा। खबरदार जो तूने अगर पाँव दबाने को बोला तो। ए खबरदार जो इस घर में ऊँची आवाज निकाली तो। चुपचाप सो जाओ।
चुपचाप सोने के लिए थोड़ी ना मैंने तुमसे विवाह किया है। चुपचाप नहीं सोना होता है तो निकलो बाहर, अभी के अभी निकलो, आज से आपका बिस्तर बाहर। नहीं नहीं नहीं, मैं तो यही सोऊंगा। गड़बड़ नहीं बोला ना, एक बार निकलो या नहीं निकलो, चलो हो गया। जो होना था हो गया, मर इधर। अब ये रोज का दर्द किसे कहें। ओहो हो ससुर जी, जय हो। आप अभी इधर, अंदर गर्मी बहुत है। हाँ हाँ हाँ, पर अभी तुम यहाँ, गर्मी गर्मी जैसे आपको हो रही है ना, वैसे मुझे भी हो रही है। जमाईराज ध्यान रखना, वरना आपकी हालत भी मेरे जैसी हो जाएगी। यानी मेरे घर में उल्टा है, मेरी बीवी मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी हूँ। क्या बात करते हो ससुर जी, राज दरबार में तो शेर बन के घूमते हो, घर में बकरी। आप मुझे बकरी कहते हो, तो आपकी हालत भी मेरे जैसी ही होगी। ससुर जी इस बात को रहने दो, आप रहने दो की बात छोड़ो, इस घर में औरत की चलती है, मर्दों की नहीं। तो ससुर जी सुन लो, आज से इस घर में पुरुष की ही चलेगी। वैसे आज तो मुझे उसके साथ झगड़ा नहीं करना था, इसके लिए मैं बाहर चला आया। कल से देख लेना इस मर्द की मर्दांगी। अभी मर्दांगी वाली रहने दो, जहर की परीक्षा नहीं होती, और चुपचाप बाहर खटिए पे पड़े रहो। प्रहलाद जी गुरुदेव, ये लो ये रखो। ये किताब किसकी है? वर्णमाला है। वर्णमाला? वर्ण में उत्तम तो ब्राह्मण होते हैं। सही बात कही बेटा, सच बात है। ब्राह्मण ये ब्रह्म का मुख है। ब्रह्म जानादि ब्रह्मणाहा, अर्थात जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण है। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्म यानी सब कुछ। तो गुरुदेव ब्रह्मा विषय बताइए, कुछ ज्ञान दीजिए हमें। अभी कुछ नहीं है मेरे पास काम, मेरे दिल में रखिए हरि का नाम। इधर हरि एक ही है और वो राजन हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद आप आपके गुरु की आज्ञा पाल नहीं रहे हो, आप गुरु का अपमान कर रहे हो। आगे करो तुम्हारा हाथ, आपको शिक्षा देनी ही पड़ेगी। अगर हरि का नाम लेने से सजा भुगतनी पड़ेगी तो लीजिए लीजिए मुझे सजा। अरे भाई कुछ होता ही नहीं। गुरुदेव आप प्रहलाद को राजनीति का ज्ञान तो बरोबर दे रहे हो ना, तो फिर वो सबको बताएगा मेरे सामने आके। पर प्रहलाद को आने में इतना विलंब क्यों हुआ? पिताजी प्रणाम। पिताजी। प्रहलाद बेटे आयुष्मान भव, आज राज दरबार में प्रहलाद प्रथम बार आए हैं, इसके आनंद का उत्सव मनाओ, अप्सराओं को बुलाओ। पिताजी उनको मत बुलाइए, प्रभु भक्ति के लिए देवी देवताओं को बुलाइए, जिससे परमात्मा हमारे मन को शांति दे। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा? परमात्मा तो यहाँ सामने बैठे हैं। प्रभु की जय हो। नहीं ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो वो है जिसकी रोशनी से पूरी दुनिया दिखती है, जिनके श्लोक से ये कान सुनते हैं, जिनकी शक्ति से पूरी जीव जिंदा है, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, घूमते हैं और जीते हैं, वैसे ही मरते हैं, वो परमात्मा है। प्रहलाद गुरुदेव आपने इसको ये शिक्षा दी है? मैंने ऐसा ज्ञान दिया ही नहीं है। प्रहलाद आत्मा, परमात्मा, पुण्यात्मा, जगदात्मा, आदि आदि जहां जहां शब्द पहुंचते हैं वे मैं हूं। नेत्र मुझे प्रकाश देते हैं, कान मेरे ही यश सुनते हैं, जबान मेरा ही गुणगान गाती है, आत्मा आप सब हो और परमात्मा मैं हूं। प्रहलाद मैं ये तेरे शब्द सुन नहीं सकता, मेरा ही पुत्र होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। तूने अभी तक मेरा गुस्सा देखा नहीं है, समुद्र की लहरों की तरह मेरा गुस्सा उछल पड़ा तो तू कहाँ बह के निकल जाएगा तेरा पता नहीं चलेगा। आप भूल रहे हो पिताजी, परमात्मा की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप किसकी जिंदगी लेने के लिए शक्तिमान हो, मगर जिंदगी देने के लिए शक्तिमान नहीं। प्रहलाद तेरी ऐसी बातें सुन के मुझे लगता है कि तू मेरा पुत्र नहीं मेरा दुश्मन है। इसके आगे तू कुछ भी बोला तो तुझे राजपाट से निकाल दूंगा। सेनापति जी महाराज, ले जाओ इसे और बंदी बना लो काल कोठरी में, खाने पीने की सारी सुविधा बंद कर दो, अनाज का एक दाना भी ना मिले इसका ध्यान रखना, जाओ। नहीं नहीं स्वामी, छोड़ दो मेरे बेटे को, मेरे बेटे को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए महाराज, हम मेहरबान करके उसके छोड़ दीजिए। सैनिकों डाल दो इसे काल कोठरी में, पानी मांगे तो इसे एक बूंद भी मत देना, भूख से बिलकने लगे तो एक दाना भी मत देना, अनाज का एक भी दाना नहीं मिलना चाहिए, इसे डाल दो काल कोठरी में। Thank you.
तुम आ गए, जरा इधर आओ ना। आज तो मेरे खुल गए, क्या बात है? खुल नहीं गए, बंद हो गए है। ये तुम्हारा जमाई हट लेके बैठ गया है कि मैं जब तक सरदार नहीं बनूं तब तक मैं बाप नहीं बनूंगा। अब इस जन्म में वो सरदार बन चुका। मेरी लड़के के यहाँ झूला नहीं झूलाना। अगर आप रास्ता नहीं खोजोगे ना तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने तो रास्ता ढूंढ लिया है। मार्ग? हाँ, नजदीक आओ। इतनी उम्र में भी ये चिटक के खड़े रहने की आदत नहीं गई। कान लाओ। हाँ? क्या बोला? ये कान से घंटा निकालो, तभी तो कुछ बात बोलू। हाँ निकाली, बोलो। आस्ते से, पिछली बार खींचो हुआ कान इस दिवाली पे ठीक हुआ था। बात का बतंगड़ मत बनाओ, मैं तुमको जो कुछ बोलू ना वो ध्यान से सुनो। क्या बोला? पर गांव क्या बोलेगा? अरे गांव के लोग को जो बोलना है बोले, झूला तो घर में झूलना ही चाहिए। मेरे मन में जो आएगा वही करूंगी। मेरे मन में आएगा वो करेगी, ये करना क्या चाहती है? अरे इस तरह आधी रात को कोई देख लेगा तो? अरे कोई देखना ले, इसके लिए तो अच्छा सा मुहूर्त देख के यहाँ आया हूँ। मगर इस वक्त ये लोटा लेकर क्यों आया है? मतलब तू देखती है वैसा काम नहीं है। ले ये तेरे बाप के हाथ से पकड़ा देना। क्यों? हाँ तू मेरे हाथ से छटके नहीं ना इसके लिए। मगर इसमें है क्या? गाढ़ा दूध, तेरे बाप को पिला देना। अरे लेकिन इस दूध में है क्या? हाथी को देने का जुलाब है। हाथी को देने का जुलाब? ये अगर मेरे पिताजी के पेट में जाए तो नहीं नहीं, हाँ मेरे से ये काम नहीं होगा। अरे मेरी रंभा रानी, थोड़ा हृदय को कड़क करो और पिला दो तुम्हारे पिताजी को, फिर मैं देखता हूँ कि वो हिरण्यकश्यप को याद करते हैं कि भगवान विष्णु को। पर देख, गलती से तेरी माँ को मत पिला देना। ओ मारे अम्मा। अरे पन इतना चिल्लाती क्यों है? वैद्य ने क्या बोला? दाई को बुलाने के दिन आ रहे रे ओ माँ। किसके दिन नजदीक आ रहे माँ? ये जो दिन तुझे दिखाने चाहिए थे वो तेरी माँ ने दिखाया। लीजिए पिताजी, ये दूध पी लीजिए। अरे अभी ये दूध तेरी माँ को दे दे, उसको ज्यादा जरूरत है। लाओ। नाजिरा, ये दूध तो खास पिताजी के लिए है। तेरा बाप तो पूरा दिन दूध पीता रहता है, तेरे घर वाले के दो तो कुछ फायदा हो। उनको भी मैं रोज देती हूँ माँ। तो फिर दिखता क्यों नहीं है? अब छोड़ो ना, पीना ही है ना, लाओ मैं पी लेता हूँ। हाँ मीठा था। अरे वो पेट में दर्द हो रहा है, ये उधर ये कुछ गड़बड़ हो गई। अरे छोड़ मुझे। ससुर जी ये अभी कहाँ जा रहे हो? अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, छोड़ मुझे, समझ जा। रोज की भागम भागी। अये मर गया। क्या हुआ? पेट में दर्द है। अभी कहो आपके हिरण्यकश्यप को की ठीक कर दे। अबे वो वैद्य थोड़ी ना है। लेकिन आप तो उसे भगवान गिनते हो। मानता हूँ भगवान। भगवान। अभी ऐसा करो, पूरा दिन गाँव के बाहर ही बैठे रहना। रुको राजमाता, काल कोठरी में जाने की पाबंदी है। राजमाता भी नहीं जा सकती? राजा की आज्ञा का पालन आपको भी करना चाहिए राजमाता। मगर मैं एक माँ भी हूँ। राजा के आदेश के सामने माँ बाप भाई बहन किसी की कोई अहमियत नहीं है। सेनापति, मेरे बेटे को भूख लगी होगी, मुझे प्रहलाद के पास जाने दीजिए। माँ माँ, बेटा मेरे लाल। माँ तू क्यों मेरी चिंता कर रही है? ऊपर वाला भगवान किसी को भूखा नहीं रखता है, वो मेरा भी ख्याल रखेगा। पर बेटा ये सब लोग मिलके तुझे मार डालना चाहते हैं। माँ जिंदगी और मारना तो मेरे प्रभु के हाथ में है। तू जा माँ, मेरी बिल्कुल चिंता मत करना। जा माँ, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे बच्चे। राजमाता आप राज्य की अपराधी हो, महाराज की आज्ञा ना होते हुए भी आप यहाँ पे आ गए। मुझे आपको महाराज के पास लेके जाना पड़ेगा। चलो सैनिकों, राजमाता को ले चलो। चलो बेटा, चलो। महाराज की जय हो। महाराज, राजमाता ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है और अपराध किया है। अपराध? कैसा अपराध? आपकी आज्ञा ना होते हुए भी वो प्रहलाद के लिए खाना लेके गई। मेरे मना करने पे भी तुम प्रहलाद के लिए खाना लेके गई? हाँ। क्यों? माँ बनने से पहले पत्नी बनो। और कयागु, तुम मेरी पत्नी हो, पति के आज्ञा का पालन करना चाहिए कि पुत्र का लालन पालन करना चाहिए? महाराज, स्त्री सबसे पहले माता है,
फिर भी पति और बेटे के बीच में अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ता है। आपकी पत्नी ने उसकी फर्ज पूरी की है तो बेटे की तरफ भी फर्ज पूरी की है, आपकी आज्ञा का पालन भी किया है। वो कैसे? मैं खुद भूखी रहकर। कयागु, तुम मेरा अपमान कर रही हो, चली जाओ यहाँ से। आज की तो बात ही निराली है। क्यों, क्या बात है? अरे देखती नहीं है, ये तेरा टपुड़ा सैनिक में से सरदार बन गया और तेरा बाप लोटा ले लेके थक गया और उसकी गैर हाजिरी में मैं सरदार बन के जम गया। अभी तो आपको शांति मिली ना, अभी तो मेरी इच्छा पूरी करेंगे ना। मेरी रानी, अब तो तेरी इतनी इच्छा पूरी करूंगा कि इस घर में अभी 10-10 बच्चे खेलेंगे। वाह, क्या जलेबी है, क्या लड्डू है, ले प्रहलाद तू भी खा वरना तो भूखे मर जाएगा। आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं? हजार हाथ वाले जो ईश्वर है वो मेरी चिंता कर रहे हैं। नाथ, आज आपके मुख पे इतनी उदासी क्यों दिख रही है? मनुष्य क्यों हर बार मेरे भक्तों पर इतना कठोर शिक्षा की परीक्षा लेता है? नाथ, आज किस भक्त के चिंता में डूबे हुए हो? एक कोमल फूल आग में तड़प रहा है पर मेरी भक्ति के कारण चारों दिशा में उसकी सुवास फैली हुई है, मगर आज वो भूखा है। छोटा बालक भूखा रहेगा और अगर वो भूख की आग में जल गया तो? मेरे भक्त को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। ये कर्तव्य मेरा है नाथ, स्त्री वो माता है, उनकी माता को हिरण्यकश्यपु ने रोका होगा, लेकिन आपके भक्त के ये माँ अभी जीवित है, उसका उद्धार मैं करूँगी। देखा, मेरे ईश्वर को मेरी चिंता है। प्रहलाद को खाना किसने दिया? हमने तो नहीं दिया महाराज। तो अपने आप ये कैसे वहाँ पहुँच गया? प्रहलाद, ये खाना तुझे किसने दिया? जब मैं मेरी माँ के पेट में था तभी मेरा ख्याल कौन रख रहा था? भगवान जगदीश ने, आज उसने भी मेरी रक्षा की है। तो पिताजी, आप ही इसमें से खाना खाइए। आप इसके गुरु को बुला के दरबार में आ जाओ। महाराज, अचानक आपने मुझे क्यों याद किया? संडामक, प्रहलाद ने मेरी नींद हराम कर दी है, मैं उसे जीवित नहीं देखना चाहता हूं। महाराज, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मेरे आश्रम में जाता हूं और प्रहलाद को वहां पे बहुत कस के बांध के रखता हूं। आपको बांध के रखना है तो बांध के रखो और तड़पाना है तो तड़पाओ, लेकिन मेरी नजरों के सामने से दूर करो। जैसी आज्ञा महाराज। क्या बोला? अब बुलाओ अपने भगवान को बचाने के लिए। ओम विष्णुये नमो नमः। अरे बुलाओ। ओम विष्णुये नमो नमः। क्या बोला, अभी तक नहीं मान रहे? ओम विष्णुये नमो नमः। 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 अरे क्या हो रहा है, पानी नीचे उतर रहा है। जाओ। ओ, सब कष्ट मुझे ही हो रहा है, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊ हो रही है। जाओ जाओ जाओ। चंद्रमर्ग, ये आप क्या कर रहे? आप प्रहलाद को और इन बच्चों को क्या सिखा रहे? और साथ में आप भी विष्णु का भजन कर रहे हो? तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करो? महाराज, प्रहलाद खुद। प्रहलाद, सैनिकों, प्रहलाद को ले जाओ ऊंचे पहाड़ पर और वहां से डाल दो गहरी खाई में।
मत लेके जाओ प्रहलाद को। चुप, मत ले जाइए। नारायण नारायण। आइए आइए नारद जी, आज आपका परम भक्त फिर से मुसीबत में आ गया। मुसीबत? हाँ देवी। नारायण भक्त प्रहलाद को महाराज पर्वत से फेंकने को तैयार हो गए। और माता कयागु भी बहुत दुखी है। और आप शांति से बैठे हो? नहीं देवी। एक कली मसलने को दुनिया पीछे पड़ी है, तूफान में एक ज्योति अब भी जल रही है। होगी शांत धरती, शांत होगी हवा और दिशा, गगन भी घूमे पवन भी घूमे, लड़ रहे हैं पल पल। जिसको ईश्वर बचाए उसको कोई न मार सके, चींटी को कण देने वाला हाथी का पालनहारा, उसके आगे किसी का जोर ना चले, ऊपर वाले का झंडा कोई गिरा ना सके, ऊपर वाले का झंडा कोई गिरा ना सके। प्रहलाद अब जिंदा नहीं रहेगा, अभी तक तो उसे पर्वत पर से फेंक दिया होगा। मेरे बेटे को मार डाल के आपको क्या मिलने वाला है बताइए? मेरा बेटा मर जाएगा तो मुझे भी नहीं जीना है, नहीं जीना है। माँ, माँ, बेटा प्रहलाद, मेरा लाल, मेरा लाल प्रहलाद, मेरा बेटा, मेरा लाल प्रहलाद, तू सही सलामत है ना? मेरा लाल सही सलामत है ना बेटा? हाँ माँ, मुझे पर्वत से फेंका लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे बचा लिया माँ। ओ प्रहलाद, अब ये जहरीला सांप जिंदा है, अब मैं क्या करूँ? भाई तलवार से इसका सर अलग कर दो, यही इस रोग का निदान है। सेनापति, ले जाओ इसे और काट दो इसका मस्तक, जाओ। नाथ, इतनी कठिन परीक्षा के बाद भी आपकी भक्ति नहीं छोड़ी भक्त प्रहलाद ने। प्रहलाद मेरा परम भक्त है। और आज उसके सिर पे पिता का हाथ घूमने के बजाय तलवार चलेगी और उसका खून बहेगा। नहीं देवी, मेरे भक्तों की रक्षा करना ये तो मेरा कर्तव्य है। अरे ये तो तलवार से भी नहीं मर रहा है। सैनिक, ले चले इसे महाराज के पास। महाराज की जय हो। क्या खबर है महाराज? तलवार चला चला के मेरे हाथ दुख गए लेकिन प्रहलाद अक्षय है। क्या तलवार भी कुछ नहीं कर सकी? नहीं महाराज। क्या करूं यही समझ में नहीं आ रहा। अब एक काम करो, हाथी को मदमस्त बना दो और उसके पैर के नीचे प्रहलाद को कुचल दो। जैसी आज्ञा महाराज। देखता हूँ अभी तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। महावत, कुचल डालो इस छोकरे को। प्रभु प्रभु प्रभु, मदमस्त हाथी को छोड़ा लेकिन कुमार को देख के वो पीछे हट गया। क्या कहा? हाथी भी पीछे हट गया?
उसके पांव भी पीछे हट गए। हाँ प्रभु, अभी एक ही रास्ता है, कुमार को जहरीली सांप की कोठरी में डाल देते हैं तो हमेशा के लिए मर जाएगा। देख क्या रहे हो, अब जाओ प्रहलाद को सांप से भरी हुई कोठरी में डाल दो। प्रभु। सेनापति जी, मैंने आपको बोला वैसे आपने काल कोठरी में सांप को छोड़ा है ना? हाँ महाराज। ठीक है, तुम जाओ और प्रहलाद को लेके आओ यहाँ पे और डाल दो इस कोठरी में उसको। डाल दो इसे सांप की कोठरी में। नहीं नहीं महाराज, नहीं, ऐसी ऐसी दुर्दशा मत कीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर, मेरे पांव में गिड़गिड़ाएगी और मैं पिघल जाऊंगा, ये तू समझती है? छोड़ दे मेरे पैर। जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे मैं आपको नहीं जाने दूंगी। कयागु, आप मेरे मार्ग में अड़चन खड़ी कर रही हो। नहीं महाराज, सजा देनी है तो मुझे दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को सांप की कोठरी में मत डालिए। तेरा बेटा मेरे लिए जहरीला सांप है, समस्त सृष्टि मुझे भगवान मानती है, पर तेरा बेटा मुझे भगवान नहीं मानता, ये इसी सजा के लायक है। डाल दो इसे सांप की कोठरी में। नहीं नहीं नहीं, जाओ। नहीं नहीं नहीं। माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरी चिंता मत करो, भगवान है मेरी चिंता करने के लिए। माँ आप भरोसा रखिए भगवान पे। नहीं नहीं, सेनापति राजमाता को यहाँ से दूर करो। नहीं, ले जाओ इसे और तुम इसे डाल दो सांप की कोठरी में। नहीं, छोड़ दीजिए, लेके जाओ, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। प्रहलाद, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। प्रहलाद, अब मैं देखता हूँ प्रहलाद कैसे बचता है। नहीं नहीं। सांप तो फूल बन गए, चमत्कार। चलो महाराज की जय हो। क्या बात है, चमत्कार चमत्कार, सांप फूल बन गए। ओह, सांप की जगह पे फूल। ओह, सांप में से फूल। नहीं नहीं, आराम विकट है रास्ता, सुन लो इनकी बात। श्रद्धा उसकी अटल है, निर्बल का है वो आस। आशा निराशा उसके बिना कोई जोड़ ना सके। ऊपर वाले का झंडा कोई गिरा ना सके। ऊपर वाले का झंडा कोई गिरा ना सके। भगवान तेरा नाम कोई मिटा ना सके। भगवान तेरा नाम कोई मिटा ना सके। माँ 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 हे राजमाता, आपकी ये हालत। राजगुरु, हम निराधार हो गए हैं, प्रहलाद के पिताजी ने हमें घर से निकाल दिया है। छोड़ दिया आपको? राजमाता, आप निराश मत हो, चलो मेरे आश्रम में चलो, उधर रहना। चलो 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 राजमाता, चलो बेटा। आओ राजमाता, आओ आओ बेटा प्रहलाद, आओ राजमाता, आपके पैरों से इस आश्रम को पावन कीजिए,
शुक्रिया राजगुरु जी, अगर आप नहीं मिलते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। मेरे फूल जैसे प्रहलाद बेटे के पता नहीं क्या हाल होते। ये भी ऊपर वाले की इच्छा होगी राजमाता, तो फूल पे चलने वाले वो पैर कांटों पे क्यों चले हैं? राजकुमार में रहने वाली राजमाता आज इस आश्रम में क्यों आई है? आप अंदर आराम करो, मैं आपके जल पानी की व्यवस्था करता हूं। राजगुरु, आप अभी भी जाग रहे हैं? राजमाता, आप अभी तक जाग रहे हो? मैं जाग रही हूँ क्योंकि मैं एक दुखी माँ हूँ जिसके बेटे के सर पे हमेशा मौत मंडरा रही है। उसकी माँ हूँ, ऐसे बालक की मैं अभागन माँ हूँ। और मैं भी जाग रहा हूँ राजमाता। जिस राज्य की मैंने इतनी देखभाल की, मेरे बेटे की तरह प्रेम किया, उस राज्य के महाराजा ने मुझे उधर से बेदखल कर दिया। ये मेरा अपमान नहीं था राजमाता, ये देवादि देव का अपमान था। मनुष्य का जब अहंकार बढ़ जाता है तब उसे कुछ भी पता नहीं चलता। आदमी का अभिमान जब चरम पर होता है तब वो आने वाले सुख को भी लात मार देता है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बुरा ना हो, मुझे बहुत चिंता हो रही है राजमाता। कुछ अहित तो नहीं होगा ना? मेरे लाडले को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? भविष्य देखने वाले हम कौन होते हैं राजमाता? हम तो बस कांच के पुतले हैं और हमारी जिंदगी की डोर तो उस परमात्मा के हाथ में है। वो जैसे नचाएगा वैसे हम नाचेंगे, वो जैसे हंसाएगा हम हंसेंगे, और वो जैसा रुलाएगा हम रोएंगे। आप रो रही हो राजमाता? रात बहुत हो गई है, आप जाके आराम करो राजमाता। चाहिए आराम कीजिए। आदित्यम नमस्कारम जलमांतरम तेजो राशि दारिद्र नोपजाय ओम सूर्याय नमः ओम भानवे नमः। बता कहाँ है वो लोग? राजगुरु, कहाँ है प्रहलाद? जवाब देते हो कि नहीं? नहीं देते हो? नहीं देते हो? अबे चल महाराज के पास, छोड़ दो मुझे। कहाँ है प्रहलाद? निकल बाहर, ए बाहर निकल। नहीं नहीं, मेरे बेटे को मत ले जाओ। चल, मैं मेरे बेटे को नहीं जाने। छोड़ इसे, छोड़ दो मेरे बेटे को। प्रहलाद, चल, छोड़ दो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, उसे कहीं मत ले जाओ, छोड़ दो इसे। नहीं, प्रहलाद, 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 चल माँ, प्रहलाद, प्रहलाद, बेटा रो माँ, बेटा प्रहलाद, छोड़ दो मेरे बेटे को। सेनापति, प्रहलाद को खोलते हुए तेल में डालो। जी महाराज, महाराज की जय हो। तेल तो एकदम खोल गया है, लेके आओ उसे। प्रहलाद को जहर दे देंगे और ये काम सेनापति नहीं आपकी पत्नी करेगी उसके हाथों से। आपको रात दिन सताने वाला ये प्रश्न, चुपचाप ये कटोरा लो और कारावास की तरफ बढ़ो। सेनापति जी, रस्ते में आपको कोई रुकाए तो फिर आप राज धर्म का पालन करना। जी। जाओ। चलो राजमाता, जाओ। महादेवी, हिरण्यकश्यप के कहने पे आज उसके दूध में जहर मिला दिया जाएगा। नाथ, एक माँ के हाथ से बेटे को जहर दिया जा रहा है, बचा लो प्रभु। हाँ प्रभु, नहीं तो देरी हो जाएगी। प्रभु, प्रभु कहाँ गए? प्रभु महर्षि, वो तो दूध पीने गए हैं। नारायण नारायण। बेटा प्रहलाद, माँ, दुनिया के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है, न होगा। ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। कौन सी जिम्मेदारी माँ? एक अभागन माँ अपने बेटे को जहर पिलाने आई है। बेटा, मेरे पेट से तुझे जन्म देकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ रही है। अभी तक तो माँ का दूध भी नहीं छूटा है और तुझे जहर पीना पड़ रहा है। अग्नि परीक्षा देने का वक्त आया है, इससे अच्छा तो मेरी मौत
मुझे मौत क्यों नहीं आ रही है? मैं मर क्यों नहीं जा रही हूँ? रो मत माँ, मेरे सामने देखो, माँ कभी अपने बेटे को जहर पिलाती है, पराए लोगों के लिए जहर है, मगर बेटे के लिए अमृत है। माँ माँ मुझे दे, मुझे ये अमृत पीने की तलब लगी है। माँ दो माँ। कयागु दे दो इसको जहर का कटोरा पीने के लिए। मैं कहता हूँ दे दो इसे, मैं कहता हूँ जहर का कटोरा दे दे इसे। पी जा बोला ना तुझे। सेनापति ले जाओ इसे। चलो राजमाता, अभी तक कुछ नहीं कर पाए, राजकुमार को कुछ नहीं हो रहा है। मेरा दुश्मन दिन ब दिन बलवान होते जा रहा है और मेरा भाई बढ़ते जा रहा है। भाई, मैंने बताया हुआ उपाय प्रश्न बन रहा है, लेकिन आज तुम्हारी बहन ऐसा उपाय लाई है कि उससे प्रहलाद कभी नहीं बचेगा। सच में? हाँ भाई, जैसे तुझे अजरामर का वरदान मिला है, वैसे मुझे भी अमर होने का वरदान मिला है। ये पता है। तो बस माँ तू चिंता मत कर, पिताजी मेरे पे गुस्सा हो रहे हैं, थोड़े दिन में शांत हो जाएंगे, फिर हम सब लोग खुशी से रहेंगे। माँ तू उम्र में मेरे से छोटा है बेटा, लेकिन बात बड़ी समझदारी की करता है। मेरी आंखों से आंसू सूखते नहीं और तेरी आंखों में एक आंसू की बूंद भी नहीं। तेरी काली काली भाषा में बहते ज्ञान की धारा को सुनके मेरा मन प्रफुल्लित होता है। तेरे जैसे बेटे की माँ बनना मेरा सद्भाग्य है। इस बात पर प्रभु का जितना भी उपकार मानू बहुत कम है। माँ चल। हाँ, मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो? मेरे बेटे को मत ले जाओ, मेरे प्रहलाद, मेरा लाल, मेरा बेटा, मत ले जाओ, मत ले जाओ, मेरे बेटे को यहाँ से मत ले जाओ, मेरे से जुदा मत करो। चलो महारानी जी, महाराज का आदेश है, प्रहलाद की चिता को अग्नि आप ही देंगी। प्रहलाद को लाओ। बहन होलिका, तुम प्रहलाद को गोदी में लेके अमर चुंदड़ी पहनकर अग्नि में प्रवेश कर। नहीं, ठीक है भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे बेटे को नहीं जाने दूंगी। हाँ, कयागु तुम मेरे मार्ग में बाधा न डालो। नहीं नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। सेनापति जय श्री अग्नि महाराज। नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो।
करो होए माँ के अखियाँ लाल, नाजर लाल मेरे नाजर लाल, रो रो होए माँ के अखियाँ लाल, नाजर लाल। भाभी को बोलो कि अग्नि जलाए। होलिका बहन। भाई, भाभी अग्नि नहीं जलाएगी तो मैं अग्नि प्रवेश नहीं करूंगी। नन जी, कौन से जन्म की सजा ले रहे हो भाई? कयागु, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। नहीं, मैं मेरे बेटे को अपने हाथों से नहीं जला सकती। कयागु, अगर तुम उसकी माँ हो तो मेरी भी पत्नी हो। मेरी आज्ञा का पालन करो। लाओ, नहीं ले, नहीं पकड़ कयागु इसे, जलाओ जलाओ। मेरे बेटे, भगवान तेरी रक्षा करे। सेनापति जी महाराज, प्रहलाद को तुम कालकोठरी में डाल दो। नहीं नहीं नहीं, सपना, भयानक सपना। आजीवन अमर वाले को मृत्यु का सपना? नहीं नहीं नहीं, किंतु मुझे क्यों मृत्यु से डरना चाहिए? किस लिए? मृत्यु मेरे सामने आ नहीं सकती। मृत्यु तो मेरे जीवन में है ही नहीं। मृत्यु पे तो मैंने विजय प्राप्त की है। विजय, हाँ। जिसका जन्म हुआ है वो मरने वाला भी है। जन्म मरण का फेरा मतलब मानव का जीवन। जन्म मरण का फेरा मतलब मानव का जीवन। नहीं! महाराज, रोज रात को आप सपने से जाग जाते हो, भयंकर सपने देखकर डर जाते हो। आप मेरी एक बात सुनेंगे? बोल। पत्नी के अलावा पति को कौन समझ सकता है? क्यों भगवान विष्णु के सामने आप लड़ रहे हो, जिसके अंत का सबको पता है? चुप करो कयागु। समस्त सृष्टि मुझे भगवान मान रही है और तू मुझे विष्णु के साथ लड़ाई में झुकने की बात कर रही है? धिक्कार है तुझे। अभी मेरे और विष्णु के बीच की लड़ाई का परिणाम तू देखेगी कि विजय मेरी होती है कि विष्णु की। महाराजा हिरण्यकश्यप की, महाराजा हिरण्यकश्यप की, महाराजा हिरण्यकश्यप की, भगवान हिरण्यकश्यप की, महाराजा हिरण्यकश्यप की। सेनापति जी महाराज, खंभे को अग्नि से एकदम लाल किया है ना? हाँ महाराज। कितना गर्म किया है जरा मुझे बताएंगे? जी महाराज, चलिए। स-
सेनापति जी महाराज बताओ। ये बाजू आओ, ये लाओ। सेनापति जी महाराज प्रहलाद को बुलाओ, जाओ। प्रहलाद अब तेरा आखिरी समय आ गया है, बोल तू मुझे भगवान मानता है कि नहीं? नहीं पिताजी, विष्णु भगवान का नाम लेने से हम सबका कल्याण होता है। पिताजी आप मेरी बात मान लीजिए, आप भगवान की अगर भक्ति करेंगे तो आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। चुप कर पागल छोकरे, बोल तेरा विष्णु सब जगह है? हाँ पिताजी, मेरे विष्णु भगवान सब जगह है। तो प्रहलाद तू विष्णु का नाम भूलना नहीं चाहता है? नहीं, भगवान विष्णु का जाप तो दिन रात ऐसे ही हो जाता है, तो मैं ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? तो प्रहलाद अभी तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, सैनिकों ले जाओ इसे खंभे के पास, ले जाओ। सैनिकों मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं हो रहा है? सैनिकों मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं हो रहा है? महाराज हमारे पैर टूट गए, हम चल नहीं सकते हैं। ओ सेनापति आप इसे ले जाओ खंबे के पास। कहता हूँ ले जाओ। क्षमा कीजिए महाराज, अभी तक आपकी आज्ञा का पालन किया लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। अब तक मैं भी आपको भगवान मान रहा था लेकिन आप भगवान नहीं हो। सेनापति महाराज अगर आप भगवान होते तो आपको प्रहलाद को मारने के लिए इतने इतने प्रयत्न किए लेकिन इन्हें कुछ नहीं हुआ। इसका अर्थ ये है कि आप भगवान नहीं हो, आप सभी बढ़कर कोई महान शक्ति है जो हम सबको जीवित रखती है। सेनापति मेरी आज्ञा का पालन नहीं होगा? नहीं महाराज, अब मेरे भी भगवान स्वयं विष्णु है। ओ तो आप भी भगवान विष्णु को मानते हो, मुझे नहीं? लो अब दुआ, तेरा भगवान विष्णु सर्वत्र है। हाँ पिताजी, मेरी विष्णु तो इस खंभे में भी है। ओ तो लिपट जा अपने प्रभु से, जा लिपट जा अपने प्रभु से। पिताजी मैं उन्हें गला लगा लूंगा। जा प्रहलाद, रुक जा बेटा रुक जा, इस खंभे को हाथ मत लगाना। महारानी मेरे कार्य में बाधा ना बनो, दूर हट जाओ। नहीं जाऊंगी, आज भले मेरी जान चली जाए लेकिन मैं मेरे बेटे को अलग नहीं करूंगी। पीछे हट वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद इस खंभे से लिपट जा। नहीं। जी पिताजी। पिताजी तू किसको बोल रहा है? पिताजी कोई पिता अपने बेटे को इस तरह मारने के लिए तैयार नहीं होता। तेरी बात सच है कयागू, मैं पिता नहीं, मैं काल हूँ, महाकाल हूँ, महाप्रलय हूँ, महारुद्र हूँ। तो मैं भी महाचंडी हूँ, महाकाली हूँ, माँ भैरवी हूँ, आपकी तरह हमेशा के लिए मैं छीन लूंगी। कयागू पागलपन मत करो, दूर हट जा, मैं प्रहलाद को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज मैं मेरे प्रहलाद को बचा के ही रहूंगी। कयागू मैं तुझे मार डालूंगा, भले आज मेरी जान चली जाए लेकिन मैं ये तलवार नहीं छोड़ूंगी। कयागू आज तेरे प्राण जाके रहेंगे। ले चल अब तेरी बारी, लिपट जाए इस खंभे से। इसको तो कुछ नहीं हो रहा है। Hey!
जब जब धरती पे पाप बढ़ते हैं, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इस बार मैंने तेरे लिए यह अवतार धारण किया है, आज तेरी मृत्यु है। नहीं, बोल, तू घर में है के बाहर? दरवाजे पे। दिन है के रात? संध्या काल। मैं पशु हूँ के नर? ना नर ना पशु। मेरे हाथ में कुछ है? नहीं। प्रहलाद, तेरी भक्ति अपार है, अब तुम नरसी अवतार धारण किए हुए भगवान विष्णु के चरण में हो। प्रभु शांत हो जाओ। प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो? प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप मिल गए। तुझे वरदान मांगना ही पड़ेगा। तो प्रभु मेरे पिताजी को मोक्ष दीजिए और मेरी माँ को फिर से जिंदा कीजिए। तेरे पिता को जरूर मोक्ष मिलेगा। प्रहलाद, मेरा बेटा। माँ, मेरा बेटा। प्रभु आप अपना असली रूप धारण कीजिए ताकि लोग दर्शन कर सके आपके। जिसको ईश्वर बचाए उसको कोई न मार सके। चींटी को कण देने वाला हाथी का पालनहारा, उसके आगे किसी का जोर ना चले। ऊपर वाले का झंडा कोई गिरा ना सके। ऊपर वाले का झंडा कोई गिरा ना।